Hello children, how are you? Fine. Now today we continue chapter 8, cards and wheels. In this part we draw a circle. वैसे तो आप circle जो है वो draw कर सकते हो bangle से, coin से, bowl से या glass से, right? But in maths you have to सर्कल ड्रॉ विथ अ मेजरमेंट. अगर आपको मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करना है तो आप बाउल से कि ग्लास से कि बैंगल से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको परफेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा. जैसे कि अगर मुझे 2 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना है तो मैं बाउल से वो नहीं कर सकती, राइट? सो यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट लेकर आपको जो सर्कल ड्रॉ करना है कैसे करना है वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कैंपस. कंपास से आप जो मेजरमेंट के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो. कैंपस जो है यहाँ पे एक स्क्रू आता है, स्क्रू की वजह से ये जो है वो टाइट रहता है ऐसे. दूसरा, यहाँ पे एक साइड पे ऐसे नीडल आती है और दूसरी साइड पे यहाँ पे एक स्क्रू है और ऐसा होल है. होल के अंदर आप पेंसिल ऐसे आप पेंसिल इसमें ऐसे डालोगे, ये स्क्रू आपको खोलना पड़ेगा और फिर पेंसिल को ऐसे यहाँ से अंदर डाल के आप इसको फिट करना है. ध्यान आपको ये रखना है कि दोनों स्क्रू, ये पेंसिल वाला स्क्रू और ये कैंपस वाला, यहाँ पे ये स्क्रू जो है वो आप खुद टाइट कर सकते हो. तो ये दोनों स्क्रू जो आपको है वो दोनों टाइट रखना है. दूसरा, जब भी आप उसको ऐसे होल्ड करो तो दोनों नीब मतलब जो पिन है वो और पेंसिल की वो दोनों सेम होनी चाहिए. दोनों यहाँ पे ये जो है वो दोनों पार्ट सेम होने चाहिए, मतलब लेंथ जो है वो उसकी सेम होनी चाहिए. नाउ वी ड्रॉ द सर्कल. हाउ टू ड्रॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्केल. नाउ हियर 2 सेंटीमीटर का आपको रेडियस से सर्कल ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्केल रखेंगे, फिर स्केल को जो है वो जीरो के ऊपर, उसकी जो नीब है वो जीरो के ऊपर रखेंगे और जो पेंसिल वाला पार्ट है वो आपको कहाँ पे एडजस्ट करना है, 2 सेंटीमीटर के ऊपर आपको एडजस्ट करना है. जैसे यहाँ पे सी जीरो और ये टू के ऊपर मैंने एडजस्ट कर लिया. फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हिलना नहीं चाहिए. नाउ यू होल्ड द कंपास ऑन अ पेपर. फिर क्या करना है आपको, यहाँ से उसको होल्ड करना है, पकड़ना है और यहाँ से ये हाथ से आपको ये ऐसे आप होल्ड कर सकते हो. फिर आपको क्या करना है, स्मूथली उसको सर्कल घुमाना है. अगर आप ऐसे सर्कल घुमाओगे तो आपको ऐसे सर्कल मिल जाएगा और सर्कल की जो रेडियस है वो अगर आप जैसे घुमाओगे तो यहाँ पे एक पेपर के ऊपर आपको एक डॉट मिलेगा, क्योंकि आपने ये जो पिन है वो पिन वहाँ पे रखी होगी इसलिए. तो यहाँ से अगर आप ये पॉइंट सेंटर टू सर्कल आप मेज़र करोगे तो आपको जो ये है वो आपको 2 सेंटीमीटर मिलेगा, राइट? नाउ सर्कल ड्रॉ विथ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ पहले हम लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीब है उसको जीरो पे, देन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक आपको जाना है और 5 सेंटीमीटर से मेजर लेकर आप फिर सर्कल ड्रॉ करना है. तो कैसे करोगे, ऐसे आपको ये होल्ड करना है, फिर ऐसे उसको घुमाना है, पर आपका जो है वो दोनों हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो स्क्रू है वो स्क्रू बिल्कुल आपका टाइट होना चाहिए इस तरह से, राइट? नाउ सेकंड, अब यहाँ पे जो है वो आपको डायामीटर दिया गया है, जैसे कि 8 सेंटीमीटर डायामीटर है. सो आपको डायामीटर मीन्स आपको पता है कि रेडियस
का डबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर है उसमें से आपको पहले रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमीटर डिवाइडेड टू, सो 8 डिवाइडेड टू, सो आंसर क्या मिलेगा, 4 सेंटीमीटर। देन आफ्टर आप सर्कल आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पहले लेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, और रेडियस 4 सेंटीमीटर लेने के बाद अगर आप उसका सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आपको रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी रेडियस 4 सेंटीमीटर और ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, हियर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, सो आपको डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे रेडियस 3.5 है, तो 3.5 आपको कैसे लेना है, सो 3 के ऊपर फिर ऊपर क्या लेना है, 5 लाइन लोगे तो आपको 4 और 3 के मिडल में एक लॉन्ग आपको लाइन मिलेगी, वो 5 की लाइन है, 1 2 3 4 5 काउंट करके आपको वो लेना है, और इस हिसाब से आप वो ड्रॉ कर सकते हो। नाउ सर्कल से आप बहुत सारी डिज़ाइन, आपकी वर्कबुक जो है वर्कबुक में बहुत सारी आपको पैटर्न सर्कल से दी गई है, यहाँ पे सर्कल से बहुत सारी पैटर्न आपको जो है वो दी गई है। तो जो पैटर्न है ये, फिर ये, तो वो जो बहुत सारी पैटर्न जो है वो आप सर्कल की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनमें से एक तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने ये 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करना है, सर्कल के ऊपर कहीं पे भी आपको एक होल्ड करके इसको आपको ऐसे करना है, फिर क्या करना है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये जो यहाँ पे फिनिश होता है वहाँ से स्टार्ट करना है, सर्कल टू सर्कल पॉइंट लेकर आपको ऐसे करते जाना है, इस तरह से आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से फ्लावर की पैटर्न सर्कल में आपको पैटर्न मिलेगी। सी मिली ना, दूसरा करते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का आपकी जो वर्कबुक है उसमें है 2 सेंटीमीटर का पहले लेना है, फिर यहां से दूसरी आप ले सकते हो, इस तरह से आपका एक पैटर्न बन जाएगी। दूसरा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ वन सर्कल, फिर यहाँ पे जो है उसका हाफ लेंगे, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर से हाफ 2 सेंटीमीटर, और जो 2 सेंटीमीटर है वहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे, ऐसे 2 सेंटीमीटर से मार्क कर लेना है, देन यू यहाँ पे पॉइंट रखकर आपको एक सर्कल
ऐसे बनाना है। ये जो है आपको पूरा अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तर वो हिल गया तो आपका जो सर्कल है वो ठीक से नहीं बनेगा। इस तरह से देन यहाँ से भी आपको और यहाँ से भी आपको ऐसे पॉइंट लेना है। फिर यहाँ से ये बहुत आपको शांति से करना पड़ेगा। अगर आप शांति से नहीं करोगे तो आपकी जो फिगर है वो ठीक से नहीं बनेगी। सी और यहाँ पे आप शेडिंग करोगे तो आपको अच्छे से डिजाइन सर्कल में मिलेगी। सो चिल्ड्रन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली और आप अच्छे से घर पे ड्रॉ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो है वो कंपास जो है वो आपको हर स्टेशनरी में मिलेगा और आपको वहाँ से स्टेशनरी में से पहले ये परचेस करना पड़ेगा, फिर आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेस द कंपास एंड इसको जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप छोटे हो, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आप अच्छे से कर पाओगे और वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये आगे के स्टैंडर्ड में आपको बहुत काम आने वाला है। सो थैंक यू।